हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द एविजेड एकेडमी में। प्यारे बच्चों, अगर आप अनएस ओपन बोर्ड के 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट लिया है होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान, जिसका पेपर कोड है 321, एग्जाम देने वाले हैं अप्रैल सन 2025 में या फिर अक्टूबर सन 2025 में, और अगर आप बनाना चाहते हैं गृह विज्ञान का शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र अर्थात ट्यूटर मार्क असाइनमेंट और लाना चाहते हैं 20 out of 20, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा गृह विज्ञान के सॉल्व असाइनमेंट। और आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को 1 से लेकर 6 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें उन तमाम दोस्तों के साथ जिनका आप भला करना चाहते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको चाहिए इसका फ्री PDF, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको इसका PDF कैसे मिलेगा। अब आइए, अब मैं आप लोगों को फटाफट गृह विज्ञान का जो असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देता हूं। यहां आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पाएंगे, सब्जेक्ट है आप लोगों का गृह विज्ञान, जिसे आप होम साइंस के नाम से जानते हैं। पेपर कोड है 321, इसे आप हिंदी में शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र और इंग्लिश में ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के नाम से जानते हैं। सेशन अगर आप लोगों का है 24-25, यानी कि वो स्टूडेंट्स 12वीं क्लास के वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम देंगे अप्रैल सन 2025 में या फिर अक्टूबर सन 2025 में, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखकर अपना ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बनाएंगे, अच्छे से उसको सजाएंगे, इसको स्कैन करेंगे, ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, आप लोगों को मिलेंगे 20 out of 20। और प्यारे बच्चों, जो हम होम साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाते हैं तो उसका फ्रंट पेज भी तैयार करते हैं, ताकि उसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन डालें और जो चेकर हमारा असाइनमेंट चेक करे उसको हमारी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो अगर आप लोगों को असाइनमेंट का फ्रंट पेज बनाना नहीं आता तो आप चिंता ना करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक और फ्रंट पेज कैसे बनाया जाता है उसका PDF का फ्री जो डाउनलोड लिंक है, मैंने दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके उस फाइल को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि फ्रंट पेज कैसे बनाया जाता है। अब आइए हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेगा फुल सॉल्व असाइनमेंट, यानी कि एक असाइनमेंट के अंदर हमें 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। यहां पर देखेंगे क्लास आपके 12th है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप अपनी रसोई में चावल, दाल और मसालों को स्टोर करने की योजना बना रहे हैं, उन विशिष्ट भंडारण विधियों का वर्णन करें जिनका उपयोग आप इन खाद्य पदार्थों के लिए करेंगे। तो भाई, चावल को कैसे स्टोर करना है, दाल मसालों को कैसे स्टोर करना है, उसका आंसर यहां पर हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को डाउनलोड कर लें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को यह नहीं पता कि सुंदर असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है, अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आए जाते हैं और उसको अच्छे से स्कैन करके अपलोड कैसे किया जाता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम कर देंगे हम। आप अपना असाइनमेंट हमसे हैंडराइटिंग में बनवा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को बस करना यह है कि मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर व्हाट्सएप मैसेज करके कांटेक्ट करना है, अपना क्लास मीडियम बताना है और मैं आप लोगों के लिए आपका असाइनमेंट बनाकर उसको ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा। और जो स्टूडेंट्स खुद से असाइनमेंट बनाना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर अपना असाइनमेंट बना लें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आप एक होटल में हाउसकीपर हैं, अगर कोई मेहमान
गंदे बाथरूम के बारे में शिकायत करता है तो आप इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? बड़ा सिंपल आंसर है, ये देखिए मैंने पिक्चर का भी यूज किया है। अगर मैं एक होटल का हाउसकीपर होता तो भाई मेहमान अगर यानी कि गेस्ट अगर गंदे बाथरूम के बारे में शिकायत करता तो मैं निम्नलिखित कदम उठाता। पहला, शिकायत को सुनता, समझता। फिर दूसरा है भाई माफी मांग लेता, तुरंत कार्रवाई करता, जांच करता, मेहमान को सूचित करता कि भाई मैंने आपका जो बाथरूम है उसको क्लीन कर दिया है, उसका फीडबैक लेता कि अब आपको कैसा लग रहा है और उसको अपने बड़े ऑफिसर को रिपोर्ट करता। तो इसके आंसर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को डाउनलोड करके आराम से पॉज कर करके इसके आंसर को लिख सकते हैं। जो भी करें वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, टाइम लगता है, तो प्लीज इसको अप्रिशिएट करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए फिर इसी तरीके से मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। और कसम से जब तक मैं आप लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं दिलाऊंगा, मैं आप लोगों को अच्छे नंबरों से पास नहीं कराऊंगा, तो इसी तरीके से जो है मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल देता रहूंगा। बस आप वीडियो को लाइक जरूर करते रहना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। घरेलू संसाधनों को कुशलता पूर्वक प्रबंधित करने के लिए गृह विज्ञान कौशल का उपयोग किन तरीकों से किया जा सकता है? उदाहरण प्रदान करें। तो इसके आंसर को भी बहुत अच्छे से मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख लें। ये देखिए प्यारे बच्चों, आपको असाइनमेंट बनाते समय ये याद रखना है कि असाइनमेंट बनाते समय किसी भी तरह की कोई गलती ना हो और रेड और ग्रीन पेन का यूज ना करें। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी होगी उसको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उतार ले। आंसर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, ब्लैक को जो है मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट किया है ब्लैक कलर से, तो आप देख ले। अपने असाइनमेंट में आपको सेम ऐसे ही करना है, हाईलाइट जरूर करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये देखिए आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो को आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि 95% स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं, अपना काम करते हैं और स्किप कर देते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज लाइक जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये सब भगवान देख रहा होता है। आपने अगर वीडियो को यहां तक देखा है, आपने वीडियो को डाउनलोड किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शिशुओं में स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए दिशा निर्देश विकसित करें। पोषण, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों के लिए सुझाव भी शामिल करें जो शिशुओं में वृद्धि का समर्थन करते हैं। और इसके आंसर को भी हमने यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, देख लीजिए। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को आज 1 से लेकर 6 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, डाउनलोड कर ले। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा सब्जेक्ट की चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उस पर वीडियो जल्दी बना सकूं। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आपका दिन अच्छा हो, आपका एग्जाम अच्छा हो, आपको असाइनमेंट में अच्छे नंबर मिले, और जो है मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स 12th क्लास को अच्छे नंबरों से पास जरूर कर लें। तो प्यारे बच्चों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।